राजस्थान में जिस तरह से विधानसभा हो या फिर विश्वविद्यालय हो, लगातार छात्र संघ चुनाव की जो मांग है उठती जा रही है। विधानसभा में भी जो नेता थे, जो विधायक थे, उन्होंने जमकर इस मुद्दे को उठाया था। उसके बाद से कई विश्वविद्यालय जहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं, अभी मैं उदयपुर के सुखाड़िया विश्वविद्यालय में मौजूद हूँ। यहाँ का माहौल कुछ अलग ही है। जिस तरह से एक तरफ छात्र संघ चुनाव की बात हो रही है, छात्र संघ चुनाव की मांग हो रही है, लेकिन यहाँ पर तो छात्र संघ चुनाव जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। देखिए किस तरह से जो छात्र नेता होर्डिंग्स पोस्टर लगाकर तैयारी कर रहे हैं। काउंसलिंग यहाँ पर हो रही है, लेकिन तैयारियाँ यहाँ पर एक अलग ही दिख रही है, एक अलग ही जो माहौल है यहाँ पर जो छात्र नेता उनमें देखने को मिल रहा है। हम उन छात्र नेताओं से बात करेंगे कि क्या सोचते हैं, क्योंकि अभी छात्र संघ चुनावों की तारीखों की ऐलान नहीं हुआ है, घोषणा नहीं हुई है, लेकिन चुनाव माहौल ऐसा दिख रहा है कि कहीं कहीं छात्र संघ चुनाव यहाँ पर हो रहे हैं। तारीखों का ऐलान नहीं है, लेकिन माहौल ऐसा है कि आपका कहीं कहीं चुनाव जैसा माहौल है। देखो, तारीखों से हमें कोई लेना देना नहीं है। हम तो यहाँ छात्र सेवा करने के लिए आए हैं और नए जो छात्र आ रहे हैं, हम उन सबकी मदद करने के लिए आए हैं। तो चुनाव होंगे तो बेझिझक लड़ेंगे, और चुनाव नहीं हुए तो भी हम छात्र सेवा के लिए सदैव यहीं खड़े रहेंगे। और यहीं जहाँ तक हमारा समय है छात्र राजनीति का, हम यही राजनीति करेंगे और छात्रों की मदद के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। चुनाव के मुद्दे उठते हैं, मुद्दे खूब उठ रहे हैं, लेकिन चुनाव अभी तक नहीं हो पाए हैं और तैयारी आपकी चल रही है। सरकार से तो हम यही मांग करते हैं छात्र संघ चुनाव करावे, क्योंकि राजस्थान में, भारत में जहाँ जहाँ बड़े बड़े ओहदे पे जो लोग बैठे हैं वो सब छात्र संघ चुनाव से ही निकले हुए हैं। तो आगे की राजनीति खराब ना करते हुए छात्र संघ चुनाव करावे और युवाओं के भविष्य की ओर देखें। आप बताएं, जिस तरह से चुनाव की मांगें उठती आ रही है, लगातार विधानसभा हो, विश्वविद्यालय हो, उसमें मांगें उठ रही है, लेकिन यहाँ का माहौल कुछ अलग ही दिखा रहा है। भैया, 3 दिन से काउंसलिंग चल रही है, आज काउंसलिंग का 3रा दिन है और चुनाव नहीं हो रहे हैं। तो चुनाव की डेट अभी तक सरकार ने फाइनल नहीं करी है। तो मतलब 2-3 दिन में अगर जो भी है क्लियर सरकार की तरफ से जो आ जाएगा, मतलब नोटिस कि चुनाव हो रहे कि नहीं हो रहे। पर अब हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता है और हम मतलब 365 दिन कैंपस में खड़े हैं। आज काउंसलिंग है, 3 दिन से हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता 3 दिन से कैंपस में स्टूडेंट के लिए खड़े हैं और इनकी सहायता कर रहे हैं। और आगे भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अगर चुनाव नहीं होते हैं तो भी 365 दिन कैंपस में खड़ी रहेगी। चुनाव नहीं होते तो फिर क्या करेंगे, क्योंकि चुनाव का माहौल बनता है और पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था, इस बार भी ऐसा ही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी चुनाव सिर्फ चुनाव के लिए कैंपस में नहीं आती है, 365 दिन कैंपस के अंदर खड़ी है। अगर चुनाव नहीं होते तो भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और उसके कार्यकर्ता आपको 365 दिन कैंपस मिलेंगे। आप बताएं, छात्र संघ चुनाव की मांगे हो या फिर चुनाव नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे? मेरा जैसे कि चुनाव अगर हो या नहीं हो उससे हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं। हाँ बोलिए आप, क्या क्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हम कार्यकर्ता है और हम साल के 365 दिन मतलब कॉलेज में एक्टिव रहते हैं। अगर भले चुनाव हो या नहीं हो, आपको साल में हर समय जब भी स्टूडेंट को ज़रूरत होती है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कोई ना कोई कार्यकर्ता आपको मिल जाएगा, जो संघर्ष करते हुए आपको दिखेगा, छात्रों की मदद करते हुए। अब चुनाव की हो रही है, चुनाव माहौल चुनाव का है, स्थितियाँ चुनाव जैसी है, लेकिन चुनाव नहीं है। चुनाव की तो चुनाव तो सरकार को घोषणा करनी चाहिए, कहीं ना कहीं सरकार की गलती है ही है। पिछली बार अशोक गहलोत सरकार ने जो चुनाव बंद कराए थे वो उनकी गलती थी। छात्र राजनीति जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स होती है, छात्र राजनीति राजनीति की पहली सीढ़ी होती है और उसको ख़त्म करने का काम किया था अशोक गहलोत सरकार ने। और नई सरकार बनी है, इस सरकार से हमें यही उम्मीद है कि ये स्टूडेंटों को आगे लाने का काम करेगी, छात्रों के हित में सोचेगी और वापिस से छात्र संघ चुनाव चालू करवाएगी। हमारी बात तो कह चुकी है कि हम न तो भाजपा ने चुनाव करवाए हैं न भाजपा चुनाव करवाती है। तो ये तो कहीं ना कहीं सरकार की गलती है ना, हम भली कुछ भी कहें पर सरकार की कहीं ना कहीं गलती है, क्योंकि छात्र राजनीति को मारना मतलब आप खुद समझ सकते हो कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है जो राजनीति की पहली सीढ़ी है और अगर आप उसको ख़त्म कर रहे हो तो फिर गलती है ना। बताएं, चुनाव की मांगे तो आपने खूब उठाई होगी और खूब उठती आ रही है। जयपुर में प्रदर्शन हो रहे हैं, जोधपुर में प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन उदयपुर में यहाँ तो काउंटिंग में जो माहौल देखने को मिल रहा है, जो छात्रों की हुटिंग देखने को मिल रही है। देखो भैया, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि छात्रों को मदद करना। अभी काउंसलिंग चल रही है, हमने हमारा जो मुद्दा है छात्र संघ चुनाव का उसको साइड में रखा हुआ है, क्योंकि हमारे लिए बच्चों का यहाँ पे छात्रों का भविष्य ज़रूरी है। हम अच्छे से काउंसलिंग कर रहे हैं, काउंसलिंग में हर एक छात्र की प्रत्येक छात्र की मदद कर रहे हैं। यहाँ पर आज काउंसलिंग फ्री हो रही है और जैसा कि है ना, जो आप बात बोल रहे हो कि है ना, भाजपा सरकार ने बोला है कि ना तो हम चुनाव करा रहे हैं ना हम रोक रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। और उसके बाद कैलेंडर जारी हुआ था, कैलेंडर के अंदर ये दिया गया था कि चुनाव हो रहे हैं। उन्होंने छात्र संघ चुनाव का और छात्र संघ कार्यालय उद्घाटन दोनों का उसके अंदर मेंशन किया था, इसलिए हम थोड़े अभी शांत थे, 2-4 दिन हम वेट करते और अगर उसके बाद नहीं होगा तो आपको जयपुर जोधपुर नहीं, सबसे उग्र आंदोलन भी आपको है ना उदयपुर के अंदर ही देखने को मिलेगा, क्योंकि उदयपुर में हम सब छात्र नेताओं की एक एकता है।
जैसा आप देख सकते हो कि पूरे प्रदेश के अंदर जो चिंगारी चालू हुई थी छात्र सरकार के खिलाफ छात्र संघ चुनाव कराने के लिए, वो उदयपुर से चालू हुई थी, सही है ना भैया? और अभी आप तीन चार दिन हम वेट कर रहे हैं, अगर तीन चार दिन में अगर निर्णय नहीं आता है तो उग्र आंदोलन करेंगे। और छात्र संघ चुनाव बहुत ज़रूरी है, हाँ, मतलब युवाओं के लिए, युवाओं के लिए अन्याय है अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होते तो। पिछली सरकार डर गई थी कि हमारे कुछ ना कुछ विधानसभा में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, वो डर गई थी, उन्होंने छात्र संघ चुनाव नहीं कराए। इस सरकार से हमें काफ़ी आशा है, वो पुरानी जो भूतकालीन सरकार थी उसके जैसा ना करे, युवाओं के साथ अन्याय ना करे। आप बताएं, चुनाव के एक तरफ युवा तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ कैलेंडर घोषित आ गया, डेट आ गई कैलेंडर में, डेट नहीं आई है लेकिन कैलेंडर में छात्र संघ चुनाव की बात है, लेकिन अगस्त महीना चल रहा है, अगस्त में चुनाव की तारीख का ऐलान हो जाता है। तो चुनाव की तारीख का ऐलान हो जाना चाहिए, ये तो हम सब चाहते हैं, सब ABBP NSUI जो भी है संगठन वो सब चाहते हैं, ठीक है। हम छात्रों की मदद कर रहे हैं, पिछले साल भी मदद कर रहे थे, इस साल भी कर रहे हैं, और कई सालों से जो मदद है वो हमारी तरफ से हो रही है। चुनाव हो नहीं हो, हमारा मदद करने का काम है वो हम अपन कर ही रहे हैं, ठीक है। और डेट जल्द से जल्द सरकार को घोषित कर देनी चाहिए, क्योंकि जिसे अपन छात्रों की मदद कर रहे हैं तो इनको भी एक मौका मिलना चाहिए कि हम हमारी जिसने मदद की उसे वोट दे और उसे आगे भेजे।